अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों दुनिया में इस वक्त 195 मुल्क मौजूद हैं और हर एक मुल्क के कानून दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से मुमालिक ऐसे भी हैं जहां पर हैरत अंगेज और अजीबोगरीब कानून मौजूद हैं और इन कानून के बारे में जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और चौंका देने वाले कानून के बारे में, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क में पुरसकून और आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आजकल हमारे पाकिस्तान में एक तारीख चल रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मार्विन सरमन जैसी चंद एक औरतें ये मेरी वीडियो जरूर देखें। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वह मर्द हो या औरत हो, अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं अपना सकता। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मर्द को 15 और औरत को 18 हेयर स्टाइल करने की इजाजत दी गई है। अगर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और कटिंग करवाता है तो इसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसके अलावा आप अपने बालों का कलर भी तब्दील नहीं करवा सकते और औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने की इजाजत होती है, जबकि शादी के बाद कोई भी औरत लंबे बाल नहीं रख सकती। हमारे मुल्क पाकिस्तान में आप अपनी मर्जी का स्टाइल, अपनी मर्जी का जीना, खाना पीना रहना कर सकते हैं। इन चंद एक दो टक्की की औरतों की वजह से हम अपने मुल्क पाकिस्तान को बदनाम नहीं होने देंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर किस्म की आजादी है सिवाय वेस्टर्न कल्चर के। इस स्क्वाड में लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो हाई क्लास और बड़े ऑफिसर को एंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विस फराम कर सकें। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे नाजायज कानून नहीं है और ना ही ऐसे बेउद्दा कोई हमारी फोर्स है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और एक अच्छी इस्लामी रियासत वाली फौज है, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मुल्क की सारी जमीन और प्रॉपर्टी किंग जोंग की मालकियत है, यानी यहाँ का कोई भी शहरी जमीन और अपनी जायदाद अपने नाम नहीं करवा सकता और ना ही इसे खरीदो फरोख की जा सकती है। दोस्तों आपको ये सुनकर बहुत ही हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सैनिटरी पैड किसी भी शॉप से नहीं मिल सकते। पैड के अलावा बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, यानी आपको नॉर्थ कोरिया में छोटी शॉप से लेकर बड़ी सुपरमार्केटों में भी कॉन्डोम और सैनिटरी पैड भी नहीं मिलेंगे और ना ही ये कोई शॉपकीपर ये चीजें बेच सकता है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत है। फिर आप बोलते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी सहूलत है जो हम लोगों को या हमारी औरतों को नहीं दी गई, बताइएगा जरूर। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मर्द और औरत जींस नहीं पहन सकते, क्योंकि जींस पहनना किंग जोंग को पसंद नहीं और किंग जोंग का कहना कि जींस पहनने से अमेरिकन कल्चर को फरोग मिलेगा, जो कि किंग जोंग को पसंद नहीं, इसलिए वहाँ कोई भी औरत जींस नहीं पहन सकती और अगर कोई औरत जींस पहने तो इसे सजा भी हो सकती है। मार्मी सरमन जैसी औरतें जो बोलती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर स्कूल अपने स्टूडेंट को जरूरत की हर चीज मुहैया करता है, जैसे मेज कुर्सी किताबें, लेकिन नॉर्थ कोरिया में माँ बाप को हर चीज के अलग अलग पैसे देने होते हैं। इसके बावजूद स्टूडेंट को अपनी तालीम के लिए स्कूल में काम भी करना पड़ता है, यानी स्कूल की सफाई वगैरह। नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। इसके अलावा प्योंगयांग सिटी, जो कि नॉर्थ कोरिया का दारुल हुकूमत शहर है, इस शहर में सिर्फ हाई क्लास और हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर को ही रहने दिया जाता है। इस शहर के चारों तरफ गार्ड पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि कोई गरीब और लो क्लास इंसान इस शहर में दाखिल ना हो सके। नॉर्थ कोरिया के बाकी इलाकों में बिजली की शदीद लोड शेडिंग होती है, जबकि प्योंगयांग सिटी में बिजली 24 घंटे में उससे रहती है। दोस्तों अगर आप अपने मुल्क में यूट्यूब और फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में फेसबुक और यूट्यूब और बाकी सोशल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बैन है। वहाँ इंटरनेट पर वही दिखाया जा सकता है जिसकी इजाजत वहाँ की गवर्नमेंट ने दे रखी है। यही नहीं, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल तक भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और ना ही वहाँ का मीडिया अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ कोरिया में गैर मुल्की फिल्में देखते हुए पकड़े गए तो आपको सीधा सजाए मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि वहाँ कोई भी शख्स गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी नहीं खरीद सकता। नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया की तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता, उनका अपना कैलेंडर है जिसे जोशे कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 1997 में कोरिया में लागू किया गया था। इस कैलेंडर की ईरान कुन बात यह है कि यह कैलेंडर किंग टूसांग की तारीख पैदाइश से शुरू होता है और उनका मानना है कि जब किंग टूसांग पैदा हुआ था तो नॉर्थ कोरिया दुनिया भी तब पैदा हुई।
बात यहाँ तक तो होती तो भी ठीक था, लेकिन नॉर्थ कोरिया का अपना एक अलग टाइम जोन भी है जिसे वो प्योंगयांग टाइम कहते हैं। नॉर्थ कोरिया में कुरान और बाइबल जैसी कोई भी मजहबी किताब खरीदना और रखना इनलीगल है, क्योंकि वो इसे वेस्टर्न कल्चर का सैंबल समझते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा सिर्फ उसी शख्स को नहीं मिलती बल्कि उसकी आने वाली 3 नस्लों को भी दी जाती है, जिसे 3 पनिशमेंट रूल भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इन तमाम तर पाबंदियों की वजह से हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक काम है। पकड़े जाने की सूरत में सीधा सजाए मौत भी मिल सकती है। कुछ लोग भागने में कामयाब होकर चाइना या साउथ कोरिया में चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के इन सब कानूनों को देखकर एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में कितनी आजादी से और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और हम पर किसी किस्म का कोई दबाव या पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप नॉर्थ कोरिया के इन कानूनों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेकबान।